अल्मोड़ा के बस स्टैंड के पास ही गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय में को संग्रहालय है। उस संग्रहालय में कुमाऊं के इतिहास और संस्कृति की झलक आज भी मिलती है, मिली पुरातन प्रतिमाओं, प्रतिमा कहते हैं मूर्तियां, मुजस्मे तथा स्थानीय लोक कलाओं का अनूठा संगम है। ब्राइट एंड कॉर्नर ये अल्मोड़ा के बस स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक अद्भुत स्थल है। अद्भुत कहते हैं हैरत अंगेज। इस स्थान से उगते डूबते हुए सूर्य के दृश्य देखने के लिए प्रकृति प्रेमी आते हैं। रात में हमने पहाड़ी भोजन का आस्वाद किया, आस्वाद कहते हैं जायका, मज़ा लिया, और तीसरे दिन सवेरे अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काली मठ। काली मठ ऐसा स्थान है जहाँ से अल्मोड़ा की खूबसूरती को जी भरकर निहारा जा सकता है। काली मठ के पास ही कसार देवी मंदिर है, वहाँ से हम बिनसर गए। बिनसर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है। हमें गाइड ने बताया बिनसर का अर्थ होता है भगवान शिव। यहाँ पर शब्द गाइड आया, गाइड जो पर्यटन स्थल होते हैं वहाँ पर जानकारी देने वाला जो व्यक्ति होता है उसे गाइड कहते हैं। तो गाइड ने बताया कि ये जो बिनसर जो नाम है इसका अर्थ भगवान शिव है। अर्थ, अर्थ का मतलब होता है मायनी, अर्थ का मतलब होता है मायनी। तो बिनसर का अर्थ उन्हें भगवान शिव बताया है। उसी तरह सैकड़ों वर्ष पुराना नंदा देवी मंदिर अपनी दीवारों पर, यहाँ पर एक मंदिर है नंदा देवी मंदिर, इसकी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अब उकेरी गई, उकेरी का मतलब होता है दीवारों पर कुंदना, कुंदा, दीवारों पे मूर्तियाँ बनाना। तो ये नंदा देवी जो मंदिर है इसकी दीवारों पर मूर्तियाँ तराशी गई हैं और ये इसके लिए मशहूर है। इसके अलावा यहाँ पर गणनाथ शिव मंदिर है, हम वहाँ से फिर 300 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर देखने गए। बहुत पुराना मंदिर है और बहुत मशहूर मंदिर है सूर्य मंदिर, और ये मंदिर कोणार्क के बाद देश का दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर सूर्य मंदिर कहलाता है। कोणार्क के बाद देश का सबसे महत्वपूर्ण दूसरा मंदिर कहलाता है। ये मंदिर अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, और बिनसर जो है ये मंदिरों के लिए मशहूर है। और कुमाऊं के लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है गोलू चितई मंदिर। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है गोलू चितई मंदिर। तो ये जो मंदिर है यहाँ पर जो कुमाऊं के लोगों की बड़ी आस्था थी, आस्था है, आस्था का अर्थ होता है ईमान। यहाँ के लोगों का बहुत ईमान है इस मंदिर पर। यहाँ पर पीतल की छोटी बड़ी घंटियाँ ही घंटियाँ टंगी मिलती हैं इस मंदिर में। फिर वहाँ से हम जोगेश्वर, मनोहर घाटी जो देवदार के वृक्षों से ढकी है, मनोहर घाटी जो है देवदार के जो वृक्ष है, वृक्ष यानी पेड़ जिसका अर्थ होता है पेड़, ये जो घाटी है मनोहर घाटी
ये देवदार के वृक्ष से ढकी हुई है, ये भी हम देखने गए। तो छात्रों, आज यहाँ तक ही हम ये पाठ देखेंगे। इसके आगे का जो है, हम अगला जो है, अगली तासिका में हम ये पाठ, अगला पाठ शुरू करने वाले हैं।